इस 7 नवंबर रिधिमा लेगी महा प्रतिज्ञा, जहाँ वंश ने सारी सच्चाई अब रिधिमा के सामने रख दी कि वो 3 साल से रागिनी को बचा रहा था, क्योंकि रागिनी को पता था कि उसके माँ का कातिल कौन है और रागिनी सारा सच अब वंश को बता सके, लेकिन रागिनी मर चुकी है। अब रिधिमा के सामने सारी सच्चाई आ चुकी है कि रागिनी का खून वंश ने नहीं, किसी और ने किया है। फिर रिधिमा प्रण लेती है कि वो वंश के लाइफ में जो तूफान आया है अब वो उसकी वजह से आया है, लेकिन अब वो सब ठीक करने की कोशिश करेगी वंश की लाइफ में। तो ये महासप्ताह आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है। तो आपको ये अगर मेरी